हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। सौरभ सर के क्लास में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में मैं किस बात की चर्चा करने वाला हूँ, क्या करने वाला हूँ आपको बता दूँ एक बार। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको UGC NET के पास्ट ईयर्स का कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कराऊंगा। जी हाँ, पास्ट ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस को मैं आज आपके सामने रखूंगा, उसका सॉल्यूशन दूंगा। MCQ बेसिस पे क्वेश्चन रहता है, बट उसको मैं आपका एक्सप्लेनेशंस भी दूंगा। कॉन्सेप्ट का बिल्डअप करूंगा मैं आज आपका, और कुछ थ्योरी पार्ट भी क्लियर हो जाएगी आपकी इसमें। तो इसमें आपको ओवरऑल सब कुछ मिलेगा, क्योंकि इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इकोनॉमिक्स रिलेटेड। UGC नेट इकोनॉमिक्स का ये पेपर होने वाला है, जिसमें मैं आपको तमाम तरह की जानकारियां दूंगा, ताकि आप अपने MCQ को ढंग से क्रैक कर सकें। क्योंकि जो क्वेश्चंस रहता है वो माइक्रो से भी रह सकते हैं, मैक्रो से भी रह सकते हैं, और इंडियन डेवलपमेंट किसी भी पेपर से रहता है। तो कुछ आइडिया होना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है, और बेसिक नॉलेज तो होना बहुत ही ज़रूरी है, जिसके कारण कि आप UGC नेट को क्रैक कर सके। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, VVIP होने वाला है, जैसे मैं आप कहता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इसे ज़रूर देखें, अंत तक देखें और समझें कि मैं आज क्या बताऊँगा आपको, और अपने UGC नेट एग्ज़ाम को सौरभ सर के क्लास की मदद से आराम से क्रैक करें। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, क्या है हमारा पास्ट ईयर का, और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो पहला प्रश्न ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया। तो यहाँ पे देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है इस प्रश्न में वो है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रिवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें सबसे देखिए क्या क्या चीज़ है यहाँ पे, सोर्स ऑफ रिवेन्यू। तो सोर्स ऑफ रिवेन्यू क्या होता है, सोर्स ऑफ रिवेन्यू, ठीक है, रिवेन्यू मतलब होता है जो इनकम जनरेट होता है, सरकार के पास जो इनकम जनरेट होता है उसको रिवेन्यू कहते हैं। और सोर्स ऑफ रिवेन्यू मतलब ये रिवेन्यू कहाँ से जनरेट हो रहा है, यानी कि जो इनकम है वो कहाँ से आ रहा है, इसे कहेंगे हम सोर्स ऑफ रिवेन्यू। स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया के लिए, अब स्टेट गवर्नमेंट भारत में आप जानते हैं फेडरल सिस्टम है, तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं और कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार, जो कि दिल्ली में बैठी हुई है, और स्टेट गवर्नमेंट जो अलग 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 स्टेट्स में है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, UP हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, अलग अलग स्टेट में जो सरकारें हैं उन्हें हम स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। अब जो रिवेन्यू कलेक्शन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी रिवेन्यू कलेक्शन होता है, और स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू भी अपना अपना रिवेन्यू कलेक्शन होता है। तो इस प्रश्न में ध्यान से पढ़िएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि स्टेट गवर्नमेंट कहा गया है या सेंट्रल गवर्नमेंट कहा गया है। तो ध्यान से पढ़िएगा, देखिए कि स्टेट गवर्नमेंट कहा गया है, अच्छा ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कहा गया, यानी कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को तो अपने दिमाग में लाना ही नहीं है, हमें सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के आधार पर सोचना है इस प्रश्न के बारे में। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भारत में सबसे बढ़िया सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार विकल्प दिए गए हैं इस प्रश्न के लिए आपको। वो विकल्प जो है वो है लैंड रेवेन्यू, वैट, स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस एंड स्टेट एक्साइज ड्यूटीज़। तो अब चलिए इनका जिक्र करते हैं, ये होता क्या है। लैंड रेवेन्यू क्या होता है, लैंड रेवेन्यू होता है यानी कि ज़मीन से जो रेवेन्यू सरकार को मिलता है उसे लैंड रेवेन्यू कहते हैं। विलेज एरियाज़ में जो फार्मर्स को जो के थ्रू जो पैसे आते हैं लैंड रिवेन्यू के माध्यम से, लैंड के माध्यम से, उसे हम लैंड रिवेन्यू कहते हैं। वैट, वैट क्या होता है, वैट इज़ बेसिकली वैल्यू एडेड टैक्स, ये एक टैक्स है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टैक्स है, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ टैक्स है वैट, जिसमें हर स्टेप पे वैट लगता है, यानी कि टैक्स लगता है और कलेक्शन होता है टैक्स का। स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन फीस यानी कि जो ड्यूटी स्टैम्प्स जो सरकार प्रोवाइड करती है किसी चीज़ों में, या फिर किसी चीज़ का रजिस्ट्रेशन के थ्रू सरकार जो पैसा कमाती है, जैसे समझ लीजिए किसी दुकान की रजिस्ट्रेशन हो गई, किसी फर्म की रजिस्ट्रेशन हो गई, उसके थ्रू जो पैसे कमाते हैं उसको रजिस्ट्रेशन फीस में लाया जाता है। और एक होता है स्टेट एक्साइज ड्यूटीज, तो ये स्टेट एक्साइज ड्यूटी क्या होता है कि किसी चीज़ों में, जैसे अल्कोहल हो गया
या अल्कोहलिक प्रिपरेशंस कह सकते हैं या ड्रग्स कह सकते हैं, इन सब चीज़ों पे, कोई भी नारकोटिक चीज़ों पे सरकार जो है वो ड्यूटी लगाती है, मतलब कि एक तरह से टैक्स लगाती है, उसे हम एक्साइज, स्टेट एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, ये एक वैट की तरह ही होता है। तो इसमें क्या है, इसमें भी सरकार को कुछ रिवेन्यू प्राप्त होता है, कुछ साधन इनकम प्राप्त होता है। तो प्रश्न पूछा गया है कि इन सभी में सबसे बढ़िया साधन कौन सा है, सबसे उत्तम साधन कौन सा है सरकार स्टेट गवर्नमेंट के लिए रिवेन्यू का। तो उसका सही उत्तर है वैट, वैट है उसका सही उत्तर, यानी कि ऑप्शन बी। अभी इसमें क्या है, वैट जो है वो गवर्निंग बॉडी को टैक्स दिया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है। ये हर स्टेप में एक टैक्स लगता है तो उसे हम वैट कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है वैट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को भारत में सबसे ज़्यादा रेवेन्यू यदि कहीं से प्राप्त होता है तो वो है वैट। तो आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, ये पास्ट ईयर का एक प्रश्न था। तो अब हम अगले प्रश्न में जाएंगे अपने, देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या है। तो चलिए दूसरे प्रश्न में चलते हैं, देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है हमारा। तो आ चुके हैं हम अपने दूसरे प्रश्न में, जी हाँ, इन द कंपेंसेटिंग, तो देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या, उसे पढ़ते हैं, समझते हैं क्या है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि इन द कंपेंसेटिंग वेरिएशन मेथड ऑफ मेजरिंग द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ राइज इन प्राइस द कंज्यूमर इज अंडर कंपेंसेटेड, ओवर कंपेंसेटेड, जस्ट कंपेंसेटेड या अनएफेक्टेड। तो प्रश्न को समझना बहुत ही आवश्यक है यहाँ पे। प्रश्न क्या कह रहा है कि इन द कंपेंसेटिंग वेरिएशन मेथड ऑफ मेजरिंग सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ अ राइज इन प्राइस, मतलब कि अगर किसी चीज़ के दाम में अगर वृद्धि हो रही है, प्राइस में अगर वृद्धि हो रही है, और अगर हमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखना है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखना है, तो उसमें कंज्यूमर जो है वो क्या होता है, अंडर कंपेंसेट होता है, ओवर कंपेंसेट होता है, जस्ट कंपेंसेट होता है या अनएफेक्टेड रहता है, इसका हमको हम देखना है, ठीक है। तो चलिए इसे हम देखते हैं। तो हम जानते हैं कि कोई भी जब हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट देखते हैं तो एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे हम लोग जाते हैं, सैमुएलसन जो क्वाजी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है उसके आधार पे। चलिए मैं यहाँ बनाता हूँ एक फिगर आपके लिए, ये है। अब प्राइस सब राइज हो जाता है, विद अ राइज इन प्राइस, तो ये जो है ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, और किसी और इंडिफरेंस कर्व में समझिए आ गया, समझिए इस इंडिफरेंस कर्व पे आ गया है। अब इसके बाद क्या होता है, जब एक पैरेलल हम लोग एक इसका विश्लेषण करते हैं तब ये एक हायर इंडिफरेंस कर्व पे मूव कर जाता है, जिसके कारण कि वो ओवर कंपेंसेट हो जाए। अब ओवर कंपेंसेट होता है यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। इसमें क्या है कि अगर हम लोग सब्स्टिट्यूशन क्वाजी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से देखें तो इंक्रीज इन द बजट विच वुड पुट द कंज्यूमर ऑन अ हायर डिफरेंस कर, इसलिए इस क्या हो गया, ओवर कंपेंसेट हो गया, ओवर कंपेंसेट हो गया। और इसमें देखा गया कि ऑप्शन बी करेक्ट है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो चलिए मूव करते हैं अपने तीसरे एक प्रश्न में, पास्ट ईयर प्रश्न में, तीसरे प्रश्न में चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मेजरमेंट फॉर फिस्कल डिफिसिट इन इंडिया, की विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मेजरमेंट ऑफ फिस्कल डिफिसिट इन इंडिया, यानी कि भारत में फिस्कल डिफिसिट का करेक्ट मेजर क्या है, ठीक है, फिस्कल डिफिसिट का। अब फिस्कल डिफिसिट क्या होता है, फिस्कल डिफिसिट मतलब होता है कि जो फिस्कल जो शुरुआती में किसी भी ईयर के बिगिनिंग में जो ब्यौरा बनता है कि कितने रुपए कहाँ खर्च किए जाएंगे, क्या होगा, उसे फिस्कल कहते हैं। अब वो अगर खर्चों से ज़्यादा, खर्चा अगर जो है वो इनकम से अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम डिफिसिट कहते हैं, ठीक है, यानी कि कम गया है, तो इसे हम फिस्कल डिफिसिट का करेक्ट मेजरमेंट क्या है वो पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिवेन्यू रिसीट, कि टोटल रिवेन्यू का जो एक्सपेंडिचर है और टोटल रिवेन्यू का जो रिसीट है, ठीक है, अगर एक्सपेंडिचर रिसीट से ज़्यादा है उसे कहेंगे। दूसरा ऑप्शन है टोटल एक्सपेंडिचर
जो है वो अगर टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा है प्लस कुछ नॉन डेट कैपिटल रिसिट है, नॉन डेट कैपिटल रिसिट है वो, ठीक है। तीसरा, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिट, यानी कि सीधा सी बात है कि टोटल एक्सपेंडिचर अगर टोटल रिसिट से ज़्यादा, रिसिट मतलब यहाँ इनकम हो रहा है, ठीक है। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल इंटरेस्ट पेमेंट, टोटल एक्सपेंडिचर अगर टोटल इंटरेस्ट पेमेंट से ज़्यादा है, तो इसमें से कौन सा सही चीज़ होता है? तो यहाँ पे सही होता है ये बी, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रेवेन्यू रिसिट प्लस नॉन डेट कैपिटल रिसिट, यानी कि कैपिटल रिसिट्स जो होते हैं, यानी कि जो हमारे जो कैपिटल इक्विपमेंट्स, कैपिटल स्टॉक के जनरेशन होता है, वो उसके नॉन डेट को भी उसमें ऐड किया जाए तो ही वो फिस्कल डिफिसिट का मेजरमेंट निकालता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो फिर से एक बार बी हो रहा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में 3 प्रश्न सॉल्व किए यूजीसी नेट के पास्ट ईयर्स के 3 प्रश्न हमने सॉल्व किए, और आई होप आपको तीनों प्रश्न समझ में आए होंगे। लेकिन यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट है, कोई संदेह है, या कुछ पूछना है, कुछ थ्योरी से, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई चीज़ पूछना है, तो आप हमें बेफिक्र होकर कॉल कर सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9836793076, ये हमारा नंबर है। किसी भी क्षण, किसी भी समय इस नंबर पे कॉल करें और अपने डाउट्स को क्लियर कर ले। और इस वीडियो को देखने के लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ। और जी हाँ, आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, हमारा वेबसाइट है www.sourofsearchclasses.com, ये हमारा वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पर जाके भी हमारे क्लासेस के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्टूडेंट्स।